नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जी हाँ, जीएनटी स्पेशल में आज बात उस त्योहार की जिसे भारत आज पहली बार मना रहा है। आज देश अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन लगभग इसी वक्त चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा था। आज इसरो के साथ साथ देशवासी भी अंतरिक्ष की इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको भारत की अंतरिक्ष यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट पर ले गए थे, और एक आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, कहां से कहां की यात्रा की है हमारे वैज्ञानिकों ने। तो चलिए हमारे साथ साइकिल से चांद तक के सफर पर जिसे हमारे इसरो ने तय किया है। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। My opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh. सपने देखे थे हमने जमीन पर, नजर थी आसमान पर, उड़ चले दो पहियों पर सवार, एक रोज जा पहुंचे चांद पर। वो साल था 1969 का जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इंसान का छोटा सा कदम इंसानियत की बड़ी छलांग बन चुका था। इस घटना से कुछ साल पहले की बात है। भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव में एक आदमी साइकिल लेकर चला जा रहा था। साइकिल पर रखा था एक छोटे से रॉकेट का एक हिस्सा। साइकिल के बाद बैलगाड़ी की भी बारी आई। तमाम जुगाड़ बिठाए गए, पैसे थे नहीं, संसाधन भी कम थे, लेकिन उन पहियों की रफ्तार कम नहीं थी। यह वही रॉकेट था जिसे पहली बार भारत की धरती से आकाश की ओर उड़ान भरनी थी। इस छोटे से अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट को नाइकी अपाचे के नाम से जाना जाता था। 21 नवंबर 1963 को केरल के त्रिवेंद्रम के पास मछली पकड़ने वाली बस्ती थुम्बा से इस 715 किलो के रॉकेट को 30 किलो के पेलोड के साथ लॉन्च किया जाना था। भारत में अंतरिक्ष युग के जन्म का सूत्रपात करने वाली इस घटना के लिए थुम्बा का चुनाव किसी खास वजह से किया गया था। इस छोटे से गांव का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह मैग्नेटिक इक्वेटर पर पड़ता था। इस जगह से रॉकेट लॉन्च करना रिसर्च के लिए काफी उपयोगी साबित होता, इसलिए एक दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सहित उनके साथी वैज्ञानिक थुम्बा में लॉन्च के लिए जगह तलाशने गए। थुम्बा में एक चर्च था। डॉक्टर साराभाई चर्च के बिशप से बात करने गए, लेकिन बिशप ने कहा कि संडे प्रेयर में लोगों से इस बारे में चर्चा करने के बाद इसके बारे में कोई फाइनल फैसला करेंगे। अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विथ इंडिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि बिशप ने चर्च में आए सभी लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चर्च की जमीन विज्ञान के इस्तेमाल के लिए देनी चाहिए या नहीं। सभी लोगों ने हां में जवाब दिया। इस तरह भारत के पहले रॉकेट लॉन्च सेंटर की शुरुआत हुई। कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ग्रामीणों को 100 दिन के भीतर एक बिल्कुल नए चर्च के साथ एक नए गांव में शिफ्ट कर दिया गया। बिशप का घर जल्द ही एक ऑफिस में बदल दिया गया और चर्च वर्कशॉप बन गया। जानवरों का शेड स्टोर और लेबोरेटरीज में तब्दील हो गया। कभी ताड़ के पेड़ों से घिरा वो गांव जल्द ही TERLS यानी थुम्बा के इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा, और आगे चलकर VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बन गया।
शुरुआत में थुम्बा में कोई कैंटीन या किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिक हर दिन अपने नाश्ते और रात के खाने के लिए साइकिल से त्रिवेंद्रम के रेलवे स्टेशन जाते थे। वे अपना दोपहर का खाना पैक करवा लेते थे। उन दिनों टीम के पास एक ही जीप थी जो काम के लिए हमेशा व्यस्त रहती थी, इसलिए वैज्ञानिकों को कहीं भी जाने के लिए या तो पैदल चलना पड़ता था या साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। सो रॉकेट भी लॉन्चिंग साइट तक साइकिल से ही ले जाया गया। थुम्बा में जब यह सब हो रहा था तब तक इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर साराभाई ने मिलकर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जो डीएई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक हिस्सा था, जिसके हेड भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे। INCOSPAR ही आगे चलकर 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। में अपनी स्थापना के बाद से देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले कई लॉन्च मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। हमारी जो फॉरेन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की क्षमता भी बढ़ गई। अब आप देखिए कितना गर्व महसूस होता है किसी भी भारतवासी को होगा कि वो अमेरिका, वो रूस जो बहुत साल पहले हमसे अंतरिक्ष की यात्रा प्रारंभ कर चुके थे, आज उनके सैटेलाइट हमसे लॉन्च हो रहे हैं। इसरो का बड़ा ऑफिसर एक बार बोला दैट इंडिया में पेमेंट उतना ही है, बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका में कितना मिल रहा है वगैरह, सो इसलिए खर्चा भी कम होगा करके बोला, वो अलग बात है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है, अभी दैट इज फ्यू डेज के पहले एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ इसरो करके एक नोवा स्पेस करके एक यूरोपियन एजेंसी इसरो को एवेल्युएट किया। इसरो के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा किया ना, वो खर्चा से कितना निकल के आया गवर्नमेंट को वापस, $60 बिलियन ओके इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया इसरो। 4.7 मिलियन जॉब्स इसरो का ये कामयाब से मिला है। देन लगभग $42 बिलियन टैक्स रेवेन्यू इसरो का काम का रिलेटेड है। सो उसका मतलब है ये सिर्फ खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में आपको वापस आ जाएगा ना, उस तरह से वापस आया है। मोटी तौर पर वो क्या बोल रहा है, आप इसरो के ऊपर ₹1 खर्च किया, आपको ₹2.4 वापस आया है, इनडायरेक्टली डायरेक्ट। भारत की अंतरिक्ष कथा का पहला अहम पड़ाव था देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ऑफ गोज आर्यभट्ट, इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक सैटेलाइट। इसके एवज में भारतीय वैज्ञानिक यूआर राव ने सोवियत संघ रूस के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार सोवियत संघ रूस भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल जहाजों को ट्रैक करने के लिए कर सकता था। इस प्रोजेक्ट की लागत तब 3 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। 1975 के इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में ₹2 के नोट के पिछले हिस्से पर छापा था। 1997 तक ₹2 के नोट पर यही तस्वीर नजर आती थी। अपने लॉन्च के 17 साल बाद आर्यभट्ट 11 फरवरी 1992 को वापस लौटकर पृथ्वी पर आ गया। भारत की स्पेस जर्नी का अगला अहम पड़ाव था भारत में बने पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर का प्रक्षेपण। 7 जून 1979 को सोवियत संघ रूस के वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन से भारत में बने भास्कर को लॉन्च किया गया। भास्कर ने जो तस्वीरें कैप्चर की थी उनसे हाइड्रोलॉजी और फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मदद मिली थी।
इसके बाद साल आया 1980 का और SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के रूप में इसरो ने भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया। SLV-3 40 किलोग्राम श्रेणी तक के पेलोड को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में रखने में सक्षम था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में मौजूदगी दर्ज करवाने वाले देशों के एक विशेष क्लब का 6वां सदस्य बन गया था। रोहिणी इसरो के लॉन्च किए सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे, उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया था। लेकिन एक आम भारतीय की जिंदगी में अंतरिक्ष के सपनों को शामिल करवाने वाला सूरज उगा 2 अप्रैल 1984 को, जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांग कर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? एक हिंदुस्तानी के दिल से निकली वो आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। इंडिया सोवियत मैन्ड स्पेस मिशन के बाद भारत के जनमानस में स्पेस साइंस को लेकर एक नया कौतूहल और उमंग हिलोरे भरने लगा था। उमंग की इसी लहर पर सवार इसरो आती जाती सरकारों के हस्तक्षेप और प्रभाव से परे स्पेस साइंस की तहों को खंगालने में जुटा रहा। आकाश के शोध और संवर्धन के इन्हीं सालों के दरमियान धरती पर 21वीं सदी भारत को खोजती आ पहुंची थी। नब्बे के दशक में PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की कामयाबी के बाद 21वीं सदी GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का दौर लेकर आई थी। इससे पहले PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्चिंग व्हीकल साबित हो चुका था। अक्टूबर 1994 में लॉन्च के बाद से PSLV ने जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशन को अंजाम दिया। आगे चलकर यही 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च करवाने वाला था। लेकिन आने वाली सदी GSLV के नाम, जिसे PSLV की तुलना में धरती की कक्षा तक और भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के साथ बनाया गया। पहला हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्करा, उससे कैमरा इतना था, धरती में कोई 1 किलोमीटर साइज में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको वो देख सकता है, सिर्फ 1 किलोमीटर। उससे आगे बढ़ के अभी रिसेंटली एक यर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हम लॉन्च किया है, उसका क्षमता क्या है पता है? सिर्फ 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? आपका हाथ बाहर खड़ा करके रखो, वो हाथ को हमारा स्पेसक्राफ्ट देख सकता है। उतना गोर में देखने के लिए क्षमता बन गया है। इस तरह से एक एग्जांपल में आपको दिया, दैट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसी तरह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में हम बात कर सकता है। पहला हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा एप्पल करके, उसमें सिर्फ 1 ट्रांसपॉन्डर। अभी आजकल हम GSAT CMS करके एक नया वर्शन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहा है, ये डिजिटल रूप में काम कर सकता है। कहानी शुरू होती है साल 2008 से। चंद्रयान मिशन लॉन्च होने में कुछ ही दिन बाकी थे। एक रोज डॉक्टर कलाम इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष जी माधवन नायर से मिलने गए। डॉक्टर कलाम ने पूरे मिशन की जानकारी लेने के बाद एक सवाल पूछा, जिसका उल्लेख जी माधवन नायर ने अपनी आत्मकथा रॉकेटिंग थ्रू स्काइज में किया है। डॉक्टर कलाम ने पूछा, माधवन तुम दुनिया को क्या सबूत दिखाने जा रहे हो कि हम चांद पर पहुंच गए? जब हमने एवरेस्ट और अंटार्कटिका में मिशन चलाया तो हमने वहां पर अपना झंडा फहराया था। चंद्रमा से जुड़े इस मिशन के मामले में हम दुनिया को ढेर सारे डिजिटल डेटा के आश्रय भरोसा दिलाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए? जिस समय कलाम साहब ये सवाल उठा रहे थे, उस वक्त डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक दिमाग थे, इसलिए उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था।
लिहाजा इसरो में इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। मुश्किल ये थी कि अब फाइनल लॉन्चिंग से पहले बहुत कम वक्त बचा था। आखिरकार चंद्रयान के साथ एक मून इंपैक्ट प्रोब भेजा गया। इसी प्रोब के जरिए भारत चंद्रमा पर पहली हार्ड लैंडिंग करने में सफल रहा, और यही वो मौका भी था जब भारत का झंडा पहली बार चांद पर लहराया। जैसे ही चंद्रयान एक मिशन सफल हुआ, डॉक्टर कलाम ने नायर से कहा, दोस्त तुमने ये किया है। उन्होंने पूरे नियंत्रण कक्ष से कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत ने इस शानदार मिशन को पूरा किया है। मैं आप में से हर एक को बधाई देता हूँ। नई दिल्ली लौटने से पहले डॉक्टर कलाम ने एक और सुझाव दिया। सुझाव ये कि जिस जगह मून इंपैक्ट प्रोब लैंड किया उसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा जाए, जिनके जन्मदिन पर लैंडिंग की गई थी और जिनके विजन ने इसरो की स्थापना में बड़ी भूमिका अदा की। सरकार से इजाजत मिलने के बाद उस साइट का नाम जवाहर स्थल रखा गया। चांद के बाद बारी थी मंगल की। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगल को मॉम मिल गई। रोस्कोस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था। मार्स में जाके ये मिशन सिर्फ एक साल काम करेगा करके सोचा था। 2022 अक्टूबर तक लगभग 10 साल काम किया। एंड बहुत इंटरेस्टिंग विषय मार्स के ऊपर वो ढूंढ के निकाला। मार्स का वातावरण है ना, मार्स का एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर थोड़ा 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 से बाहर जा रहा है। लाइक हम बूढ़ा हो गया तो हमारा हेयर फॉल होता है ना, उसी तरह मार्स का एटमॉस्फेयर, दैट इज हवा, मार्स के चारों ओर हवा है ना, वो थोड़ा थोड़ा से कम हो रहा है। इसके बारे में भी अध्ययन किया है। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च किया। स्पेस रेस में भारत का कद कुछ और बढ़ा 2017 में, जब इसरो ने अंतरिक्ष में एक अनोखा शतक लगाया। 2017 से पहले दुनिया में रूस के नाम एक साथ सबसे ज्यादा 37 उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। रूस ने यह रिकॉर्ड साल 2014 में बनाया था, लेकिन साल 2017 की 15 फरवरी को इसरो ने अपने पीएसएलवी के जरिए एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। फिर साल आया 2019 का, और चंद्रयान 2 पर सवार होकर हम एक बार फिर चांद की सैर को निकल पड़े। इस रोज भारत देख रहा था, वैज्ञानिक देख रहे थे, इसरो के मुख्यालय में बैठ खुद देश के प्रधानमंत्री देख रहे थे। चंद्रयान 2 बस चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था, लेकिन अचानक लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। चांद की दहलीज से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर, हकीकत बनने से बस चंद पलों की दूरी पर, हमारा ख्वाब उस रोज एक बार फिर बस ख्वाब होकर रह गया। लेकिन अधूरे सपनों की किरचन अपनी आंखों से निकालकर इसरो एक बार फिर खड़ा, आंखों में एक नया सपना और दिल में एक नई उम्मीद लेकर। इस उम्मीद का नाम था चंद्रयान 3। सारे देश की शुभकामनाओं के साथ इसरो एक बार फिर चांद का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गया। चंद्रयान 3 की इंजीनियरिंग पर अलग ढंग से मेहनत की, कई बदलाव किए गए, इसे और बेहतर, और मजबूत और सक्षम बनाया गया ताकि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिल सके। कोरोना के दौर में भी तैयारियां जारी रही। दिन गुजरे, साल 2023 में दस्तक, और फिर आया 14 जुलाई 2023 का दिन। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो गया। To the launch event of India's prestigious LBM-3 M4 Chandrayaan 3. 2, 1. We have ignition. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious LBM-3 spacecraft. Pluto tracking. 16 अगस्त तक वो चांद के करीबी कक्षा में आया। 20 अगस्त को डी बूस्टिंग के बाद चांद से दूरी बस 25 किलोमीटर की।
बरसों का सपना अब इतना करीब आ चुका था कि सारा हिंदुस्तान बस अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लेना चाहता था। आप और हम जब चांद से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे थे, तब हमारा चंद्रयान चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था। आखिरकार 23 अगस्त को लैंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 मिनट में लैंडर 25 किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह के ठीक ऊपर आ पहुंचा। वर्टिकल लैंडिंग के बाद बस इंतजार उसके सतह पर उतरने का था। चंद्रयान 3 चांद की चौखट पर खड़ा था, पूरे देश की नजर स्क्रीन पर थी। उधर लैंडर ने सतह पर सही जगह का चुनाव करना शुरू किया और तय समय पर उसने अपने कदम चांद पर रख दिए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सूर्योदय के साथ ही चांद पर भारत का उदय हो गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हु इज हियर टू एनकरेज अस एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही अनंत अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का जय घोष हो गया और 3,84,000 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत ग्रह पर मौजूद सारे जहां से अच्छे एक मुल्क में 140 करोड़ लोग जश्न में डूब गए। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अंतरिक्ष में कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू कर चुका है। चंद्रयान 3 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को चांद पर उतारने की तैयारी कर चुका है। इसरो ने अगले चरण के मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। अब बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। मिशन चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के साथ अंतरिक्ष में भारत की छाप छोड़ चुका है इसरो अब इस हस्ताक्षर को और गाढ़ा करने के मिशन में तेजी से जुड़ा है। अंतरिक्ष में भारत का सितारा बुलंद करने के लिए इसरो एक साथ कई मिशन पर काम कर रहा है। इनमें सबसे पहला है पहली बार 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन गगनयान। इसके अलावा इसरो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। साथ ही अगले 5 साल में इसरो 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। लेकिन इन सारे मिशन में सबसे खास और महत्वाकांक्षी मिशन है इंसान को चांद की जमीन पर उतारने का अभियान। इसरो साल 2040 तक इंसान को चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। Then we have a mission to go to moon, land human being on the moon. That, of course, it takes time. 2040 is the time. But so we are looking at the steps and capability development in terms of technology until we reach that. That process will be initiated after a few years of from now. But the initial investment that are needed to create the technology is already being put up to government. 7 दशकों का इतिहास गवा भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने के हर प्रयास को इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास और मेहनत से सफल बनाया। जवान और किसान की तरह ही विज्ञान की राह के कर्मवीरों की कई पीढ़ियों की लगन ने आज हिंदुस्तान को स्पेस साइंस की एलीट क्लब में शामिल कर दिया। धन्यवाद उन सभी का जिनका अतीत हमारे वर्तमान की धाती है। ये उन्हीं के सपने हैं जो कल को हकीकत बन जाएंगे। स्पेस में अपने स्टेशन पर हम रॉकेट लगाएंगे, अंतरिक्ष के आंगन में चहलकदमी कराएंगे और चंदा मामा के दर को अपना घर बनाएंगे, सितारों के आगे वाले जहां में अपना तिरंगा फहराएं। इसी उम्मीद के साथ गुड न्यूज टुडे की ओर से आपको पहले अंतरिक्ष दिवस की आकाश भर शुभकामनाएं। इंडिया इज ऑन द मून।